नमस्कार, मेरा नाम है गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आज अभी फ़िलहाल में पहले चरण की चुनाव की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और 2022 में चुनाव का माहौल गर्म होता जा रहा है। आज हम मौजूद हैं नोएडा विधानसभा में सेक्टर 62 में। यहाँ पर लोगों से जांच पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि इस बार यूपी का माहौल क्या है और यूपी में किसकी सरकार कितने बहुमत के साथ, कितनी सीटों के साथ अपना दमखम दिखाने वाली है, कौन सी सरकार। आइए चलिए जनता से बात करते हैं। हमारे साथ भैया हैं यहाँ पर, क्या नाम है भैया आपका? अजय। अजय नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? नोएडा। नोएडा के रहने वाले। क्या लग रहा है इस बार 2022 में जो चुनाव हैं यूपी विधानसभा के, उनमें नोएडा का किस तरफ रुझान है, कौन सी पार्टी का यहाँ दमखम नोएडा में देखने को मिलेगा? नोएडा में देखिए रहेगी तो बीजेपी। अच्छा। क्योंकि रीज़न है बीजेपी का, एक तो अपना वोट परसेंट, तो यादव के अगर हम देखा जाए तो एसपी ज़्यादा वोट तो नहीं ले पाएगी क्योंकि यादव का वोट कटेगा, ठीक है। तो आती है बीजेपी, वैसे भी बीजेपी इस एरिया में भी हम देखें तो एक जो हमारा मेन जो वोट प्रतिशत है वो अपना बीजेपी का भी ज़्यादा रहेगा। और सेकंड जो मुद्दे हैं तो मुद्दे में देखा जाए तो नोएडा से ही चल रहा है। बाकी ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जो डेवलपमेंट हुआ है तो बीजेपी, नोएडा में पंकज सिंह जो है उनको टिकट मिल चुका है बीजेपी से, जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। हाँ। तो आपको लगता है पिछले टाइम में उन्होंने 5 साल में इतना सही काम किया था कि दोबारा बीजेपी का टिकट उन्हें मिलना चाहिए? देखिए बीजेपी की वोट ना किसी उस पर नहीं मिलेगी, जो MLA वगैरह होंगे उनकी वोट है केवल योगी और मोदी पे, तो इनको तो कोई देखेगा भी नहीं, तो आएगी तो मतलब जो विधायक है वो काम कर है। उसका कोई मैटर ही नहीं है, सीधा योगी मोदी की। लोकसभा और ये विधानसभा के चुनाव जो दो ही फैक्टर हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपने देखा अभी जो वोट कटे हैं, क्या बोलते हैं, जो पार्टी छोड़ के गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह, तो उनका कोई लगेगा थोड़ी कि ऐसा कुछ होगा कि कोई वोट कट रहा है या कुछ है, क्योंकि वोट तो केवल दो चेहरों पर लगती है यहाँ पे। बाकी आम आदमी पार्टी हो या फिर जो भी पार्टी है उनमें आपका डिपेंड करता है कि कौन सा चेहरा है यहाँ पे, तो मोदी और योगी का ही रहेगा। तो अभी आपको लग रहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, दो मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी है अभी, है ना? हाँ, दारा सिंह चौहान ने छोड़ी है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी है, उसके अलावा विधायकों ने छोड़ी है, मंत्री दो ही गए। आपको लगता है ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी इलेक्शंस में? नहीं, जैसे वही बोल रहा हूँ ना मैं कि जो मेन वो है फैक्टर वो रहेगा इनका, उसका योगी का। और रही बात योगी की, तो योगी ने तो काफ़ी काम ही करा है और बाकी 5 साल में दंगा मुक्त रहा है पूरा यूपी। अभी एक बड़ी खबर है, कह रहे थे यूपी से योगी जो हैं वो अयोध्या मथुरा से चुनाव लड़ सकते थे, मगर अभी उनकी सीट गोरखपुर से कन्फर्म हो गई है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? इसका रीज़न देखो ये गोरखपुर में पहली बार तो पहले से ही वो सांसद रह चुके हैं कई बार, ठीक है, और उनका होम टाउन भी है, तो योगी तो वहीं से बनना था, क्योंकि अयोध्या में तो बीजेपी आ ही जाएगी, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है तो हिंदू मतलब वोट तो सारे उनको लग ही रहे हैं। दूसरा जो इकबाल अंसारी हैं उन्होंने भी बीजेपी को सपोर्ट करा अयोध्या में, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं थी मतलब योगी के चेहरे की वहाँ पर, तो वहाँ तो मिल ही जाएगी वो। नोएडा में लगता है बीजेपी का, हाँ, बीजेपी। ठीक है, आइए चलिए और लोगों से भी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या चल रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुमताज। हाँ, मुमताज। मुमताज कहाँ के रहने वाले? बिहार का। बिहार का। अभी यूपी में चुनाव है, पता है? हाँ पता। क्या चल रहा है, कौन जीतेगा? अखिलेश यादव। हैं? अखिलेश। अखिलेश यादव। अच्छा, आपका क्या नाम? मोहम्मद इजराइल है। मोहम्मद इजराइल कहाँ के रहने वाले? बिहार से ही है। बिहार से ही है। क्या लगता है यूपी में? यूपी में काम अच्छा किया अखिलेश आएगा। अखिलेश आएगा। अखिलेश ने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। अभी यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि योगी जी आएंगे। बढ़िया, वो तो फाइनल पे पता चलेगा। हाँ? कौन फाइनल पे पता चलेंगे कौन आएंगे नहीं आएंगे, पता लगेगा। चांस तो है, वैसे अखिलेश की हवा चल रहा है। वैसे अखिलेश की हवा चल रही है। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं भैया कि अखिलेश की हवा है। क्या नाम है भैया आपका? भाई परवेज। हाँ, परवेज। परवेज कहाँ के रहने वाले? बिहार से हैं। बिहार से आप भी? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है यूपी में इलेक्शन है, चुनाव है, किसका जोर है? नहीं देखो भाई, अभी जो चल रहा है, जो जिस हिसाब से अभी अखिलेश तो आ गई है, अखिलेश आ गई। हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव आगे हैं, बाकी अब आगे देख लो क्या होता है। रिजल्ट तो अब 10 मार्च है ना। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आप बिहार से हैं फिर भी आप कह रहे हैं अखिलेश? देखो भाई, देखो ऐसा है कि हम भी स्टूडेंट हैं, हमें सब पता होता है कौन क्या है क्या नहीं है, आपको भी पता होगा। तो अखिलेश। अभिनव कुमार। अभिनव। यस। कहाँ के रहने वाले? मैं नोएडा सेक्टर 68 से। नोएडा से ही प्रॉपर? नहीं, रहने वाले इलाहाबाद से। इलाहाबाद से, तो मतलब यूपी में ही आता है? हाँ यूपी में ही आता है। अच्छा, इलाहाबाद में और नोएडा दोनों जगह का ही बताइए आप हमें। क्या लग रहा है अभी यूपी में जो चुनाव है, अखिलेश और जो योगी की लड़ाई है, इसमें कौन किस तरफ जीतने वाला है? अगर कानून की बात की जाए तो योगी फ्रंट फुट पे हैं, और बेरोजगारी और अदर मुद्दे पर देखा जाए तो योगी बैक फुट पे हैं। ऐसा क्यों? कानून व्यवस्था इसमें थोड़ा सा सही है, लेकिन बाकी मुद्दे देख ली जाए, महंगाई देख ली जाए या फिर रोजगार देख लेते हैं, तो उसमें योगी सरकार बैकफुट पे है। और बहुत सारी जो है रोजगार में, जैसे शिक्षक भर्ती थी और जो भी रोजगार के मुद्दे थे, इन्होंने कोई भी वैकेंसी निकली थी
कोई भी अभी प्रॉपर रूप से पूरी नहीं हो पाई। जो भी आई इनकी या तो पेपर लीक हुए हैं या कोई अदर इश्यूज हुए हैं, उसमें से कोई भी पूरी नहीं हो पाई। तो जो यूपी के युवा हैं वो इनसे थोड़े दुखी हैं। दुखी हैं? हाँ, यूपी युवा रोजगार के मामले में दुखी है। अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते, फिर भी एक अनुमान। अभी वैसे एक महीना ही बचा, फरवरी में चुनाव है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। अभी कह रहे थे योगी आदित्यनाथ अयोध्या मथुरा से लड़ेंगे, मगर उनकी टिकट अभी गोरखपुर से फाइनल हो गई है। गोरखपुर से तो जीत जाएंगे, और कहीं जाएंगे तो नहीं जीतेंगे। और कहीं जाएंगे तो नहीं जीतेंगे? नहीं, अयोध्या से लड़ते तो हार जाते जी। हा? क्योंकि उनका वहाँ गढ़ है गोरखपुर में, आप जहाँ से हो आपको वहाँ का पब्लिक पहचानती है, जानती है, नस नस पहचान गई। अच्छा जी, आपका मानना है कि अभी अखिलेश टक्कर जरूर देंगे मगर जीतना अभी कंफर्म नहीं? हाँ, जीतना कंफर्म नहीं बता सकते। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा दीपक कुमार नाम है भैया। दीपक कुमार, कहाँ के रहने वाले? रहने वाला तो सर मेरठ का हूँ, लेकिन काफ़ी समय समय है यार हूँ खोड़ा कॉलोनी के अंदर। अच्छा, खोड़ा कॉलोनी के। हाँ जी, मेरठ में और खोड़ा दोनों ही यूपी में आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है इस बार यूपी चुनाव में? यूपी चुनाव में देखिए, जो भी एजेंडा रहा है अभी तक भी चीज़ें रही हैं, सब कुछ ठीक था बीजेपी के राज्य में, अब तक भी सब कुछ सही है। लेकिन जो अगर हम देखते हैं कि गरीबी के उस पर चलते हुए जो भी चीज़ें चल रही है, एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, आम आदमी की तरफ भी देखना चाहिए हर चीज़ पर। आप जो भी डेली यूसेस की चीज़ें हैं, अब आप चाहे फिर बाइक में पेट्रोल की बात कर लो, ईंधन की बात कर लो, चाहे किसान की बात कर लो, या फिर घर में यूज़ होने वाले तेल की बात कर लो, तो हर चीज़ पर दुगने रेट हो गए हैं। तो एक आम आदमी क्या करेगा इस हालात में? तो कहीं ना कहीं टक्कर पे हैं, तो अखिलेश सरकार से उम्मीदें भी हैं लोगों को, और बीजेपी से है कि जो चल रहा है चीज़ें उस पर उसका निवारण क्या निकाले। तो चीज़ें हो सकती हैं कि हाँ बीजेपी ऐसा होता है कि जैसे योगी की सरकार से लोग परेशान हैं मगर फिर भी वोट योगी को दे रहे हैं, ऐसा क्यों? कारण है उसका, उसका कारण ये है कहीं ना कहीं, एक हर चीज़ अगर बात आती है तो एक हिंदू मुस्लिम के उस पर ही बात आकर रुक जाती है। बीजेपी में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दा झगड़ा, कहीं ना कहीं मुद्दा हिंदू मुस्लिम, कहीं ना कहीं अब चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने काम नहीं किया। आज की डेट में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो देख सकते हैं गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। पहले क्या दबंग लोग थे, बाहुबली थे, लेकिन अभी कहीं कुछ नहीं है। तो इस मामले में या इस कार्य में काम करा है बीजेपी ने, बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन अगर बात करते हैं, बस कहीं ना कहीं जाकर के जो बात रुकती है वो यहीं आकर रुकती है कि बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा हो गई है कहीं ना कहीं, या कह सकते हैं ये महामारी है इसके कारण, और कहीं ना कहीं चीज़ें हैं ये जो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी है अभी के टाइम पे, वो यही सब चीज़ें हैं कि महंगाई अगर इस पर भी कुछ करती है तो फिर बीजेपी आनी ही आनी है। दूर है उसके तो 300 रुपये पहले मिलते थे, आज भी वो 300 रुपये लेता है, उसके तो पैसे नहीं बढ़े सालों में। देखिए 5 साल में ना 2 साल छोड़ दीजिए, 2 साल तो कुछ हुआ ही नहीं है। घर बैठ के राशन मिल रहा है, वैक्सीन मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये सब कैसे आएगा? पैसे से आता है ना, तो थोड़ी बहुत महंगाई चीज़ बढ़ती है। इस सब जब आप सुविधाएं बढ़ाएंगे लोगों के लिए तो थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ती भी है उसके लिए। वैक्सीन है 1350-1350 रुपये की वैक्सीन है, फ्री में लगी है। 300-400 रुपये लोगों को तो मैंने ही लगाई है, कम से कम बुक करवा के अपने पास से, मतलब गवर्नमेंट के पोर्टल से बुक करा के मैंने वैक्सीन लगवाई है। मतलब मेरे रिकॉर्ड में 300-400 से ऊपर हैं जो इनको मैंने वैक्सीन लगवाई है। तो आप उसकी कीमत लगा लीजिए, 400 वैक्सीन इंटू 1200 करिए तो कितने बैठते हैं वो। तो इस हिसाब से पूरे प्रदेश में अगर देखिए तो 22 करोड़ की जनसंख्या है, तो लगभग 15-16-17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, तो कैसे लगी है? पैसा तो खर्च हुआ है ना इसमें, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं तो पैसे से बन रहे हैं, वो भी विकास का काम रुका नहीं है कहीं भी। अगर एक्सप्रेस वे सरकार तो क्रेडिट भी ले रही है ना फ्री देने का, तो क्रेडिट लेगी, फ्री दे रही है क्रेडिट भी, तो क्रेडिट भी लेगी, उसका क्या मतलब? जनता पे क्यों ऐसे एहसान क्यों दिखाया जा रहा है? तो ऐसा भाई साहब, तो पहले सैफई में नाच होता था, तो होता था ना, पैसे खर्च होते थे, तो उसका भी ग्रेड वही लेंगे ना जब जो नाच कराएंगे। तो अब जो है काम हो रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है, विश्वनाथ धाम जो बन रहा है, संस्कृति का भी उत्थान हो रहा है विकास के साथ, तो ग्रेड तो लेंगे। तो कहते हैं मोदी जी 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, उसका क्या? भाई साहब सूट तो 2014 की बात थी, अब तो 2019 की बात बात करो, अब तो 19 शुरू हो गया, दोबारा जीत भी गया उसके बाद। सूट बूट पर्सनल एक्सपीरियंस तो आज भी खर्चे होते हैं ना, उनके खर्चे तो हर सरकार में करने, कोई ना कोई कहीं ना कहीं करता है, कोई महोत्सव में करता है तो कोई कपड़ों का। मैंने उनका बिल देखा नहीं कभी कि 2014, मतलब उनका 10 लाख का सूट का बिल मैंने कभी किसी ने दिखाया भी ना मैंने देखा है। दूसरी बात है, देश के प्रधानमंत्री कोई वैसे तो घूमेंगे नहीं, सूट तो पहनने का स्वाभाविक है, हमारी जितनी क्षमता है हम पहनेंगे, उनकी जितना क्षमता है वो पहनेंगे, तो सूट का कोई विषय नहीं है यहाँ पे कि सूट आपकी जितनी क्षमता है आप पहनेंगे, पहनने और खाने का कोई विषय नहीं है, विषय है रोजगार का, विषय है जो जिस इस कोरोना काल सरकार ने दिया रोजगार,
बहुत रोजगार दिया, क्या नहीं दिया। इस कोरोना काल में मान के चलो सरकार के पास पाँच साल होते हैं काम करने के लिए, जिसमें से 6 महीने आप आचार संहिता निकाल दीजिए, 6 महीने जीतने के बाद कोई भी कार्य नहीं करता है, चीज़ें सब मैनेजमेंट में लग जाती हैं, आपका बचे 3 साल। 3 साल के अंदर में इस कोरोना काल में, इस महामारी में, जिस स्तर से योगी सरकार ने काम किया है, जहाँ तक मुझे जानकारी आज तक ना कोई सरकार कर पाई है, ना करने में सक्षम है, ना कर पाएगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं क्या है ये आप पहले बताइए, बताइए जी। अभी बिल्कुल आपने किसानों को मार दिया गया था। देखो देखो वो एक साजिश है, क्या है कैसे भाई साहब, देखिए देखो रेप मेरी दो मिनट मेरे दे दीजिए फिर आप। देखो एक मर्डर केस और एक रेप के केस में, ठीक है, वो क्या था उसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो आपने बताया योगी सरकार ने क्या दिया है मैं बता रहा हूँ क्या दिया है। जैसे आप गरीबों के लिए ले लीजिए शौचालय का दिया, जिससे आज हमारी बहन बेटी है, सुरक्षित हैं, बाहर ना जाके अपने घर में यूज़ करते हैं। गरीबों के लिए आप आवास दिए, किसान के लिए उनके साल में 2 किस्त देते हैं, अभी देख रहे फ्री में राशन, फ्री में पानी। इस कोरोना काल में इतने गवर्नमेंट की गरीबी रेखा के नीचे जो जिस स्तर का है उसके लिए, यदि उनके पास जानकारी है तो ऐसा कोई भारत का व्यक्ति नहीं है जो भूखे पेट सोए और उनको रोटी ना मिले। अच्छा जी, तो अभी आपके नए मतलब राशन पानी से इंसान खुश है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं पार जा रहा है, उससे कोई मतलब भाई साहब 100 के पार जा रहा है जनसंख्या। एक उत्तर प्रदेश इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, आप दिल्ली को लगा लीजिए, दिल्ली को और यूपी में कन्वर्ट करते हैं तो 25 दिल्ली निकलेगी। आज के डेट में दिल्ली का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। कोरोना काल में केजरीवाल कहते थे बिहार वाले पर्सन को बिहार को भेज दो, यूपी वाले पर्सन को यूपी के भेज दो। ऐसा केवल एक राज्य था जो योगी जी ने कहीं से भी आए, वही केजरीवाल सरकार है जिसकी शिक्षा की व्यवस्था का लोहा विदेश भी मान रहे हैं। भाई साहब धरातल पे जाइए, उससे कथनी और करनी में बहुत होता है, बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। अभी अभी मैंने गया, मेरा जस्ट अभी क्या बोलते हैं मेरे कजन की बात थी, हम थे हमारे मित्र स्वयं थे, यहाँ से ट्रांसफर किए उसको, कितना उसका आ गया था प्लेटलेस, 7000 समथिंग कुछ थे, 7000 समथिंग में 24 घंटे के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, दोबारा वहाँ से फिर रेफर करा के यहाँ पे लाया गया, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ है। तो मैं कैसे मान लूँ, मैं जब प्रत्यक्ष प्रमाणदर्शी हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि वहाँ काम हुआ है जी। तो आप कह रहे हैं कि इस बार योगी का ही वर्चस्व चलेगा। भाई साहब योगी अब की बार तो कोई सोच नहीं सकता है, अगले बार भी कोई सोचने की कोशिश नहीं करे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या मथुरा से लड़ सकते थे, मगर उनका टिकट अभी गोरखपुर से ही कर दिया गया। योगी जी तो कोई भी जो अभी भी है वो भी जीत जाएंगे आराम से, लेकिन गोरखपुर को संभालना है तो अयोध्या से, अयोध्या को गोरखपुर से भी संभाल सकते हैं बाबा जी। ऐसा एक शख्स है कि यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में किसी भी सीट से खड़ा कर दो तो सीट निकाल के चले आएंगे। दूसरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, योगी जी की बात है, उनका काम बोलता है। आज हमारे यहीं पे देख लो सन 2012 7 से 12 का आप समय काल देख लीजिए तो यहाँ पे एक महीने के अंदर 10 चैन स्नेचिंग होती थी, 5 साल के अंदर में 5 रिकॉर्ड नहीं होंगे थाने में, 58 थाने में आप जाके पता कर लीजिए। आज हमारी बहन बेटियाँ जितने भी आज सुरक्षित घूम रही हैं तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की ही देन है, और ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो सबको कलेक्टर बना देगी उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े पॉपुलेशन वाले राज्य को, ठीक है, ऐसी कोई सरकार नहीं कि सबको कलेक्टर बना देगी, करना अपना है। आप इस योग्य हैं तो आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं 10वीं फेल हैं कह दें हमें कलेक्टर बना दो, कोई नहीं बना देगा। बात यह है क्षमता आपके अंदर में होनी चाहिए, सरकार सबको नहीं दे सकती। बहुमत की सरकार योगी की होगी, हमें तो बहुमत से ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है विपक्ष अगले चुनाव में जिस प्रकार से आज सपा की स्थिति बसपा की देख रहे थे कि नोएडा में किस तरीके से लोग समाजवादी और योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी के लिए किस किस तरीके के विचार रखते हैं। आगे भी हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि आगे 2022 में होने वाले चुनाव में जनता किस तरफ अपना रुख ले रही है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ डिग्गी।